तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप ब्लॉगर में ऑन पेज एसईओ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉगर में जब आप ऑन पेज एसईओ करना चाहते हैं तो आपको कोई भी प्लगइन नहीं मिलता, क्योंकि ब्लॉगर प्लगइन्स को सपोर्ट ही नहीं करता। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप ब्लॉगर में भी, हो सके वो डायरेक्ट ना हो लेकिन इनडायरेक्टली आप ब्लॉगर पे प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में वही देखते हैं कि कैसे आप ब्लॉगर में प्लगइन्स का इस्तेमाल करके अच्छे से ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं और अपने ब्लॉगर का जो पेज है उसको गूगल सर्च में रैंक करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको इस जो पोस्ट लिखा हुआ, अभी मैं पोस्ट लिख के दिखाने वाला नहीं हूँ, तो आपको क्या करना है कि मैं इस पोस्ट का ही, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने कुछ दिन पहले ही ये पोस्ट पब्लिश किया था, इस पोस्ट का ही मैं ऑन पेज एसईओ करके आपको दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, मैं पहले ये पोस्ट खोल लिया हूँ, उसके बाद आपको सिंपली आपको गूगल क्रोम में जाना है। यहाँ पे जैसे ही आप गूगल क्रोम में आएंगे, यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ साइड पे ऐसा डॉट्स का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप गूगल एप्स दिखा रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको यहाँ पे डॉक्स पे क्लिक करना है। एक बार डॉक्स ओपन हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ब्लैंक पेज जो आपको दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलेगा, इस एक्सटेंशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, एड ऑन का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, और या फिर उस पर जैसे ही आप कर्सर को रखेंगे तो आपको साइड में, एक राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आ जाएगा गेट एड ऑन्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको लिखना है जी डॉक, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जी डॉक एसईओ असिस्टेंट का एक सजेशन आ गया, यानी कि गूगल डॉक एसईओ असिस्टेंट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से इंस्टॉल दिखा रहा है, तो आपको हमें इंस्टॉल नहीं होगा तो आप यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने तो पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला। यहाँ से आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और आप यहाँ से अब देख सकते हैं, आप मैंने जो गूगल डॉक एसईओ असिस्टेंट इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है, ये 100% फ्री है। इसी तरह से आप अगर सेमरश का भी अगर आपने मेंबरशिप ले रखा है या फिर उसको आपने प्रीमियम वर्जन है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से एडऑन्स पे जाके एडऑन्स पे जाके सेमरश को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप ब्लॉगर के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल डॉक का जो एसईओ असिस्टेंट है जो फ्री है वो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको गूगल डॉक का एसईओ असिस्टेंट का ऑप्शन आ जाएगा जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही कर्सर को ले जाएंगे यहाँ पे आपको शो का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्किंग दिखा रहा है, थोड़ा देर वेट करना है और आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे गूगल डॉक का एक बॉक्स खुल के आ जाएगा, एक इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी इस पोस्ट का मैं बता रहा था कि इस पोस्ट का मैं एसईओ करके दिखाऊंगा, ऑन पेज एसईओ। पहले मैं क्या करता हूँ, सारे टेक्स्ट मैंने जो लिखे हैं उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस मैं आता हूँ गूगल डॉक में और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसा वहाँ पे लिखा था सारा चीज़ें यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो टॉपिक मैंने लिखा है उसका जो टारगेटेड कीवर्ड होगा यानी कि हेडिंग, तो हेडिंग तो मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा है तो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एकदम शॉर्ट कीवर्ड्स चाहिए जो मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड हो। तो मैं क्या है, हाउ टू क्रिएट पेजेस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट ब्लॉगर पेजेस। तो आपका जो टॉपिक होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे एंटर करके आप उसे सर्च कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो दिखा रहा है कि मतलब एसईओ किस तरह से कितना मैंने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 53% ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी हेडिंग भी एक डाल देता हूँ। तो ये वाला जो मैंने इसका जो हेडर है, जो टाइटल है, वो यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक एंटर देके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं हेडिंग में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है, टाइटल है।
सो अभी मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अभी भी ये 53% ही दिखा रहा है। और यहाँ पे सब कुछ एक साथ दिखा रहा है, यहाँ पे वर्ड काउंट कितना है, रीडेबिलिटी देखिए बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छा है, 70.9% है। और एसक्यू डेंसिटी जो सर्च क्वेरी वाला जो जितने वर्ड्स हैं वहाँ पे अच्छे से डाले हुए थे, यानी 4.11% है। तो आप इसे मतलब थोड़ा इधर उधर एडिट उडिट करके आप इसे क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा स्कोर होगा आपका उतना ज़्यादा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड पेज होगा। तो यहाँ पे मैं फिलहाल तो 53% ही कर पा रहा हूँ। आप अगर चाहें तो अच्छे से इसको कीवर्ड्स पे रिसर्च करके अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज करके एटलीस्ट क्या करें 80 के आसपास ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे अगर ये आपका स्कोर 80 के पार हो जाएगा या फिर आपको लगता है कि हाँ हमने आपने बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर लिया, ये ऑन पेज एसईओ आपने कर लिया, ये रेडी है मतलब पब्लिश करने के लिए, तो आपको क्या करना है वापस से मैंने तो वहाँ से कॉपी किया था, हालांकि आपको पहले यहाँ लिखना है फिर ब्लॉगर पे पेस्ट करना है। तो यहाँ से आपको यहाँ से सारे टेक्स्ट जिस तरह से एडिट होने के बाद जैसा होगा वहाँ से सारे टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है और वापस ब्लॉगर में आके पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आप रीअरेंज कर लीजिए छोटा बड़ा जो आपको यहाँ पे करना है, एडिट वगैरह जो करना है यहाँ पे आप कर दीजिए, बस वर्ड्स को चेंज नहीं करना है। उसके बाद एक बार आपने वहाँ पे गूगल डॉक में इसका स्कोर चेक कर लिया तो उसके बाद वहाँ पे पोस्ट में जाने के बाद आपको वर्ड्स को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं ब्लॉगर के लिए भी इनडायरेक्टली ऑन पेज एसईओ करने के लिए प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।